पीएम मोदी असम दौरे पर जाएंगे, जहां वो एक रैली को संबोधित करेंगे। सीएए लागू होने के बाद पीएम मोदी का पूर्वोत्तर का ये पहला दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के बोडो बहुल कोकराझार नगर में एक रैली को संबोधित करेंगे। इस जनसभा का आयोजन बोडो समझौता के उपलक्ष में किया गया है। कोकराझार और पूरे असम के 4 लाख से अधिक लोग इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसमें राज्य के जातीय समूहों का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल है। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में बड़े पैमाने पर हुए प्रदर्शनों के बाद मोदी का यह पूर्वोत्तर का पहला दौरा होगा। कई बोडो उग्रवादी समूहों और एक छात्र इकाई के साथ केंद्र सरकार द्वारा शासित समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद एक सप्ताह बाद पीएम मोदी का ये दौरा हो रहा है। पीएम मोदी असम दौरे पर जाएंगे और यहां पर कई तो हमारे सहयोगी अमित दुबे जुड़े हैं हमारे साथ विस्तृत जानकारी के साथ। अमित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असम का यह पहला दौरा है सीएए लागू होने के बाद, तो कैसे वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हो सकता है? देखिए, खास व्यवस्था की गई है। खासतौर पे 1000 दीपक जो है वो कल से जलाए गए हैं पीएम के स्वागत के लिए, और जिस तरह से उनका स्वागत किया जाएगा। और सीएए जो कि असम की खास तौर पे मांग थी, पिछले कई सालों से लगातार जो है असम में इस तरह की मांग उठ रही थी कि किस तरह सीएए लागू किया जाए। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बीजेपी की सरकार ने लागू किया, उसके बाद प्रधानमंत्री का दौरा और वहां पे बीजेपी की ही सरकार है सर्वानंद सोनोवाल जो कि बीजेपी के मुख्यमंत्री, तो जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री जो बीजेपी डबल इंजन की बात करती है, वो डबल इंजन कहीं ना कहीं आज असम में दिखेगा। और असम के लिए खासतौर जिस तरह पूर्वोत्तर के लिए केंद्र सरकार की कई योजनाएं जो है वो लगातार काम कर रही, पूर्वोत्तर के विकास के लिए काम कर रही है, यहाँ तक कि जो खासतौर पे जो कानून लाया गया है कि जो विकास की योजनाएं हैं उनमें पूर्वोत्तर और जो ज्यादा विकसित हो रहे प्रदेश है उन्हें 30% जो है वो परियोजनाओं का लाभ ज्यादा मिलेगा। तो ऐसे में असम के लिए बहुत अच्छा साल है, और खासतौर केंद्र सरकार की कई योजनाएं काम करें, तो जाहिर तौर जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो ना सिर्फ असम की सरकार बल्कि असम के लोग भी उनका स्वागत करेंगे। जी अमित, वही अगर बात करें तो सीएए और एनआरसी को लेकर भी असम में लगातार प्रदर्शन देखने को मिले थे, और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब खुद वहां पहुंचेंगे तो क्या उनको विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है? देखिए, पूरे देश में सीएए और एनपीआर का विरोध हो रहा है, और ऐसे में असम में एनआरसी लागू हो चुका है, और सबसे पहली डिमांड जो है वो असम से ही स्टार्ट हुई थी, क्योंकि असम में जिस तरह से बांग्लादेश के लोग, पाकिस्तान के लोग, तमाम जो है जिन्हें सरकार घुसपैठिए बोलती है, ऐसे लोग जो है वो वहां पे आए। हालांकि एनआरसी वहां पे दो बार जो है वो रजिस्टर हुई, और उसके बावजूद कई लाख लोग हैं जिन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं मिला, यानी वो लोग भारत के नागरिक नहीं है। तो ऐसे में उन लोगों की तरफ से एक बड़ा विरोध जरूर देखने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन खासतौर पे जो सुरक्षा के इंतजाम होते हैं उस लिहाज से जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा जो है वो एसपीजी के तहत होती है, लोगों को इन चीजों से प्रशासन दूर रखने की कोशिश करेगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिन लोगों को खासतौर पर एनआरसी में जगह नहीं मिली है उनकी तरफ से एक बड़ा विरोध देखने को मिल सकता है। जी अमित, अगर वही बात करें प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बारे में, तो दिन भर का प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम कैसे रहेगा, क्या क्या देखने को मिलेगा पूरे दिन भर में असम में? असम के कोकराझार में प्रधानमंत्री की रैली है, इसके बाद में प्रधानमंत्री कई योजनाएं जो कि असम में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है उन योजनाओं को भी खुद जाके देखेंगे कि आखिर योजनाएं कहाँ तक पहुंची हैं। और दूसरा जिसकी मैं बात कर रहा था कि वहां पे जो कोकराझार में रैली है वो रैली होनी है, इसके अलावा असम के कई लोग जो हैं जो ऑनरेबल पर्सन का जो डेलीगेशन है उन लोगों से भी बात करेंगे, असम में कैसे निवेश बढ़े उसे लेके भी असम की सरकार ने योजना रखी है, उसमें कई लोगों को बुलाया गया, यहाँ तक कि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जो उन्हें भी बुलाया गया, उन सबके साथ प्रधानमंत्री की मीटिंग है। तो लगातार जितनी देर प्रधानमंत्री असम में, काफी बिजी शेड्यूल है पूरा उनका, और उसके साथ उनकी रैली होनी है। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।